नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बैठक भी हुई रीट को लेकर, लेकिन रीट की परीक्षा की तैयारी भी हो गई, ये भी हो गया कि पेपर एक ही दिन में करवाएंगे, लेकिन रीट की विज्ञप्ति नहीं आई और शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हम समय पर एग्जाम करवा देंगे। सारी तैयारियों, गोपनीयता की बात भी कर ली गई, पेपर कैसे रखना है, कैसे क्या करना है, किसी सुरक्षा रखनी है, सारी बातें हो गई, लेकिन विज्ञप्ति की बात नहीं, विज्ञप्ति नहीं आई। ये चीजें विज्ञप्ति से पहले हो रही, अच्छी बातें, देखते हैं क्या होता। लेकिन इन्हें 25 नवंबर का बोल रखा था विज्ञप्ति का, लेकिन वो आई नहीं है, देखते हैं। सचिवालय में रीट की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित, बैठक में नहीं हुआ कोई निर्णय। 10 लाख युवाओं का इंतजार बड़ा, घोषित नहीं हुई रीट का नोटिफिकेशन जारी करने की तिथि, ठीक है। शिक्षा विभाग और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मंगलवार को सचिवालय में रीट की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक से युवाओं को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी। रीट का नोटिफिकेशन जारी करने और आवेदन की तिथि की घोषणा नहीं होने से वे निराश हो गए। बैठक में विभाग के अधिकारियों ने बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। इस दौरान शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की गोपनीयता, प्रश्नों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रश्न पत्र निर्माण, रख रखाव, वितरण व्यवस्था में पूर्ण सावधानी बरतने तथा रीट परीक्षा के सुचारू और सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा का आयोजन फरवरी में करवाने के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, यथासंभव अभ्यर्थियों को निकटतम जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित करने, परीक्षा का आयोजन एक ही दिन में करवाने पर चर्चा की गई। बैठक में रीट आयोजन के नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशासक महेश शर्मा, सचिव कैलाश चंद शर्मा, संयुक्त शासन सचिव शिक्षा सचिव मुन्नी मीना व उप शासन सचिव संजय माथुर सहित परीक्षा आयोजन से संबंधित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। तो ये बात हुई, रीट का नोटिफिकेशन कब आएगा नहीं पता, लेकिन जल्द आ जाना चाहिए। और रीट की पात्रता की बात है, फिर मेंस में कितनी क्या पद देंगे, किस तरीके से होगा, क्या नहीं होगा। आपको बता दें कि इस बार जो पहले एग्जाम में फीस लगती थी रीट की, वही लग रही है फ्री। रीट के आवेदन को नहीं किया है, फीस इसकी लगेगी। और दूसरी बात है, जो पहले से क्वालिफाइड हैं वो उनके लिए आपकी ऐच्छिक होगा, आप चाहे तो दें चाहे तो ना दें। पहले वाले भी एलिजिबल होंगे, पात्रता वाले, अगर वो है तो वो सीधे मेन थर्ड ग्रेड में बैठ सकेंगे। तो ये है रीट को लेकर खबर दोस्तों। आप कौन सी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट की, कितने पद आपको लगता है कितने पद आ जाने चाहिए, और विषय भी अपना बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।